खबर मथुरा से है, जहां पर ब्रजरथ उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का मौका नहीं मिला तो कलाकारों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जिसमें ब्रजरथ महोत्सव और ब्रज तीर्थ विकास परिषद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रज के कलाकारों ने अपनी बात रखी और कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कलाकारों ने कहा कि जो ब्रजरथ का बजट मुख्यमंत्री देते हैं, उस बजट को लेकर समस्त ब्रज में ब्रजरथ उत्सव होना चाहिए। जी, जो विशेष मुद्दा जो है, ब्रज में हमेशा कलाकारों के प्रति एक अन्याय जो होता आया है, चाहे उसमें तीर्थ विकास परिषद रहा हो या क्षेत्रीय जो भी कलाकारों के क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो सब संस्कृति विभाग भी जिसमें शामिल है, यहाँ के कलाकारों के साथ हमेशा अन्याय रहा है, क्योंकि यहाँ एक मानक और तय नहीं है कलाकारों के लिए। जो कृपा पात्रता के आधार पर जो चयनित हो जाते हैं, उन्हीं कलाकारों को लगातार यहाँ से काम दिया जाता है। विशेष रूप से हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं, जिनको जैसे अभी ब्रजरज भी उत्सव हुआ है, उसमें रिपीटेशन बहुत है। जिन कलाकारों को जन्माष्टमी और होली पे कार्य दिया गया है, उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्हें काम ही नहीं मिला, उन्हें ब्रजरज उत्सव में मिलना चाहिए था और वो कार्य उन बच्चों को नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अगर काम मिलना है तो सबको ही मिलना चाहिए। अगर तीन मेले ब्रजरज उत्सव कंडक्ट कराता है, जैसे होली कराता है, जन्माष्टमी कराता है या ब्रजरज उत्सव कराता है, तो सभी को बराबर से भागीदारी होनी चाहिए उसमें। जी गणेश जी, बताएं आपने क्या कहना चाहेंगे इसको ब्रजरज उत्सव के बारे में। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न ये है, ब्रजरज उत्सव चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हर वर्ष चलता है, लेकिन इस ब्रजरज उत्सव में हमें मौका नहीं मिलता। हमारे अलावा हमारे कई साथी हैं जो कि मथुरा में बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उनको किसी को मौका नहीं मिलता। हमने कई बार अनूप सर से बोला है कि सर आप हमें मौका दीजिए। वो जानते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूं और लगभग मेरे को 20 से 25 वर्ष यहां हो चुके हैं अपनी कला दिखाने के लिए, और आपके मथुरा में नहीं, आपके भारत में नहीं, इस अपनी कला को मैं विदेशों में भी दिखा चुका हूं, जैसे कि अमेरिका जा चुका हूं, मॉरिशस, दुबई, जापान, टोक्यो, सिंगापुर और आपके लंदन, इस तरीके से मैं कई यात्राएं यहां कर चुका हूं विभागों की तरफ से। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे यहां पर नहीं मौका मिल रहा, मेरे घर में मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहां सिर्फ दो लोग हैं विभाग में, एक तो यादव जी हैं और एक अनूप शर्मा जी हैं, केवल वो ही डिसाइड करते हैं। आप पत्रकार भाई हैं, आप लिस्ट निकालवा के देखिए कि 3 साल में किस किस आदमी को बार बार लगातार मौका मिला है। जो टेंट वाला है उसको बराबर मौका मिल रहा है लगातार, क्या मथुरा में एक ही टेंट वाला रह गया जो कि उसको जन्माष्टमी पर तो मौका उसको मिलता है, होली पर तो उसको मौका मिलता है, ब्रजरज उत्सव में तो उसको मौका मिलता है। मथुरा में क्या 6-7 ही ग्रुप है? दानी शर्मा को हर बार मौका मिलता है, राजेश शर्मा को मिलता है, शालिनी शर्मा को मिलता है, मैं नामों पे गिना दूंगा, हमारे डांगोर जी हैं उनको मौका मिलता है, एक हमारी कलाकार है आगरा की है उसको यहाँ मौका मिलता है, अनूप शर्मा जी का एक ग्रुप है काना अकेडमी के नाम से, उनको हर बार वो अपनी अकेडमी के नाम से भी ग्रुप चलाते हैं और शालिनी शर्मा जी के नाम से भी चलाते हैं। ये करीब 6-7 ग्रुप है जो इनको लगातार मौका मिलता है। मैं बांकी बिहारी शर्मा, अनेकों वर्षों से मैं मथुरा आकाशवाणी का लोकगीत का कलाकार रहा हूँ, रामलीला रासलीला के क्षेत्र में भी मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ जो वृंदावन में कुंभ हुआ था, मैंने उसमें चंद्रावली लीला की रासलीला कराई थी और कृष्णोत्सव में भी मुझे कार्यक्रम मिलते हैं, लेकिन ब्रजरज उत्सव में मुझे अभी एक भी बार चांस नहीं मिला है। आपने कोशिश की थी, अप्लाई किया था? मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला था मैं, लेकिन वो यही बता दिया गया कि भाई यहाँ पे इतने कलाकार हो जाते हैं कि यूटिलाइज नहीं हो पाते और बाहर से कलाकार आ रहे हैं उनको ही ज्यादा बुझ दिया। अब भाई बाहर से कलाकार आएंगे वो ब्रज की चीज तो दिखाएंगे नहीं, जबकि ब्रजवासियों की पसंद पहली ये है कि हम ब्रज की लीलाओं को देखें, ब्रज की विधाओं को देखें, ब्रज की रसियाओं को सुने। और बोले कि जो लग चुके हैं वो लग चुके हैं हमारे पूर्व में, मतलब अनेकों, लेकिन बात ये है कि शिकायत ये भी आ रही है कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। भाई कुर्सी खाली पड़ी रहेंगी, ब्रजवासी जो देखना पसंद करते हैं वो चीज उनको नहीं मिलेगी तो वहां कुर्सियां खाली रहेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नियमबद्ध तरीके से ब्रज के हर कलाकार को इसका चांस मिलना चाहिए, जो अनुभवी कलाकार हैं उनको मिलना ही चाहिए, और जो कलाकार कई
साल से लगातार दे रहे हैं उनको एक बार रेस्ट दे देना चाहिए भाई। हर व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, अगर उसको नहीं मिलेगी तो उसकी उसका मन मर जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी, वो क्या कला का मतलब वो सोचेगा। कला सीखना, कला का प्रचार करना बेकार है। मैंने अनेकों कार्यक्रम दिए हैं बड़ी बड़ी स्टेजों पे, चित्रकूट के रामलीला मेला में, अयोध्या रामलीला मेला में, मथुरा के कार्यक्रम में भी, सिंगापुर में जन्माष्टमी कार्यक्रम दिए हैं मैंने, इंडोनेशिया मलेशिया फिजी तक कार्यक्रम दिए हैं मैंने, समझे, साथ ही कलाकारों के साथ में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने आज हमारे मध्य में आकर के जो हमारी आवाज बन करके हमारी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है इसके लिए आपको धन्यवाद है, और मैं समझूं कि अधिकारी लोग इस बात को अवश्य समझेंगे।